in the winter session. Why should you call here Thank now? You. So, Vivek Thakur, please. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी. आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया. इफ नॉट अस देन हु, इफ नॉट नाउ देन वेन. ये शब्द मेरे नहीं, ये कथन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी का है, जो उन्होंने तब कहा था जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था. आज हमारे समक्ष भी यही प्रश्न है, इफ नॉट अस देन हु, इफ नॉट नाउ देन वेन. भारत की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए आज़ादी के अमृत काल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम. आदरणीय सभापति महोदय, 26 वर्ष हो गए जब इस संकल्पना ने संशोधन का आकार लिया था, जब भारत अपने आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका था, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पबद्धता का ही परिणाम है कि यह संशोधन पास होकर मूर्त रूप ले रहा है. आदरणीय सभापति महोदय, क्या केवल ये बोलने से कि ये बिल हमारा है आपकी जिम्मेवारी पूर्ण हो जाती है? तेरा मेरा करने से क्या भला होगा? उनके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा. न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी, न मेरा मजाक होगा, गुरूर न कर शाहे शरीर का, यह शरीर भी एक दिन खाक होगा. आदरणीय सोनिया जी की कल की लोकसभा के बहस में एक और बात कही जिससे मैं असहमति व्यक्त करता हूं. कल लोकसभा में उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में यह कहा कि धुएं से भरी रसोई से लेकर स्टेडियम की जगमगाती रोशनी तक स्त्री का सफर बहुत लंबा है. यह आपकी सरकारों में जरूर हुआ करता था जब स्त्री की रसोइयों से धुआं उठता था, आज उसकी रसोई उज्ज्वला से उज्ज्वल. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां अमेरिका जैसे राष्ट्र को महिलाओं को वोटिंग राइट देने में 120 वर्ष लग गए, वहां भारत की संविधान सभा ने महिलाओं को शुरुआत से समान मताधिकार दिया. क्या इसके बाद हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है? क्या हम आश्वस्त हो चुके हैं कि हमने महिलाओं को उनके अधिकार दे दिए हैं? नहीं, सितारों के आगे जहां और भी. सभापति महोदय, इस बिल का भी एक जीवन है, आयु 26 साल, और इस जीवन में इस बिल ने काफी उतार चढ़ाव संभल जैसा ही इसका जीवन रहा. प्लीज टेक योर सीट प्लीज. प्लीज टेक योर सीट. आप बोलो. और इस जीवन में इस बिल ने काफी उतार चढ़ा, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल जैसा ही जीवन रहा, किंतु आज इसके 26 साल के तप का फलीभूत होने का ऐतिहासिक दिन आज आ गया है. लेकिन इसके अनुभव और त्याग की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी रह जाएगी. आदरणीय सभापति महोदय, ये संशोधन लाना क्यों जरूरी था, इसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा. महिलाओं के लिए अक्सर ग्लास सीलिंग की चर्चा होती है. ग्लास सीलिंग अर्थात वो बाधाएं जो दिखाई नहीं देती. राजनीति के संदर्भ में ये ग्लास सीलिंग की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ ज़्यादा होती है, और उसकी बानगी में पूर्व के प्रमुख नेताओं के बयान के द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहूँ. एक हिंदी भाषी राज्य के पार्टी के संस्थापक ने महिला आरक्षण बिल का जब विरोध किया तो कहा कि सिर्फ अमीर और शहरी महिलाओं को फायदा होगा और गरीब गांव की महिलाओं को नहीं, क्योंकि वो आकर्षक नहीं होती. और महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो पार्लियामेंट में भी सीटी बजाने वाले लोग आएंगे, ये दुखद वाक्या हो चुका है. इसके साथ जदयू के हम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए परकटी महिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, और लालू जी ने अपने सांसद से बिल को ही सदन में फड़वा दिया था. अब आप सोच सकते हैं कि ग्लास सीलिंग के कैसे उदाहरण है, ये वाक्या सब हो चुका है. राजनीति में ग्लास सीलिंग का एक और उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा. तमिलनाडु विधानसभा में स्वर्गीय अम्मा जी के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं. अगर सदन में 33% महिला विधायक होती तो तमिलनाडु सदन का ये दुखद वाक्या भी नहीं होता. आदरणीय सभापति जी, यही ग्लास सीलिंग है जिसको दूर करने का प्रयास ये बिल करता है.
ऐसा ही एक और उदाहरण मुझे याद आता है जो सीधे तौर पर इस बिल से जुड़ा हुआ है। जब स्वर्गीय गीता मुखर्जी ने बिल को प्रस्तुत किया था और लेफ्ट के हमारे साथी मौजूद हैं, कितना विरोध उनको झेलना पड़ा था, परंतु दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला सांसदों ने उनका साथ दिया और उसमें सबसे प्रमुख नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का था। उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि ये बात कि अगर आप रोड पर इस बिल को लेकर संघर्ष करेंगे मिस्टर तो मैं आपके साथ। प्लीज प्लीज आप बोले। ये तब होता है जब सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो उनकी सामूहिक क्षमता भी बढ़ती है। कल लोकसभा की चर्चा में भी और आज सदन में भी चर्चा के दौरान ये बात विपक्ष के साथियों ने रखी कि आप बिल को कब लागू करेंगे, तारीख बताओ, तारीख कब बताओगे। और इसी से मुझे राम मंदिर आंदोलन का दौर याद आता है सभापति महोदय, जब हमसे ये सवाल पूछा जाता तो हम पर तंज कसते हुए राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज क्या स्थिति है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मैं अपने मित्रों को यही बताना चाहूँगा, तारीख बताई नहीं, तारीख बनाई जाती है। खत्म करें विवेक जी। विवेक सर मुझे 10 मिनट बोला गया था सर। प्लीज कॉल आपके मुंह से तो ये बिल्कुल समय ओवर हो गया, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ये शोभा नहीं देता सर, बीच में तो ये स्क्रीन का लफड़ा शुरू हुआ कि जो 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण का कानून तो पारित कर देते हैं परंतु लोकसभा में अलायंस के बहुमत होने के बावजूद इसको अटका देते हैं। मैं अब दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ विवेक जी, प्लीज 2 मिनट सर। नो कंक्लूड कर रहा हूँ सर, मैं बुला रहा हूँ दूसरे 30 सेकंड्स प्लीज सर। इस महिला सशक्तिकरण की योजना के 9 साल के बेमिसाल में सर एस्पिरेशन बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका जो आई है इसका कई उदाहरण है जिसकी चर्चा भी इस सदन में हो चुकी है। और ये प्रधानमंत्री जी के वुमन डेवलपमेंट के बजाय वुमन लेड डेवलपमेंट के स्पष्ट विजन का यह सूचक है। तारीख मांगने वालों को संविधान पढ़ना चाहिए और मेरा यही कहना है कि 7 सिफारिशें Please speak, your speech will go on record. Sabhapati Mahoday. Nothing is going on record. No, please. Doctor. Thank you, Deputy Chairman, sir. On behalf of my party, Patali Makkal Katchi PMK,